हेलो गाइस, जय छठी मैया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है खरना, मतलब आज नहीं है खरना, छठ कल था और आज है पहला अर्घ। लेकिन कल ना मतलब ये सब करते करते काफ़ी लेट हो गया था रात में, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। आज मैं मॉर्निंग में सोच रही हूँ कि एडिटिंग करके आज खरना वाला ब्लॉग डाल दूँ। नहीं तो ये सब क्या होता है ना, ये ऐसा ब्लॉग होता है जो टाइम टू टाइम जाना चाहिए। तो अभी मैं नाश्ता बना रही थी सुबह मॉर्निंग का, और मैंने सोचा कि चलो साथ में एडिटिंग भी कर लेते हैं और ये वीडियो अपलोड कर देंगे आज। तो कल, आज का जो छठ पूजा है, जो पहला अर्घ है, इसका कल आएगा ब्लॉग। अब देखते हैं कल कब आएगा, ये नहीं मैं आप लोगों को बता पाऊँगी, क्योंकि जैसा टाइम मिल पाएगा वैसा होगा। आप सबको तो पता ही है कि छठ पूजा में कितना सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे खरना का बन रहा है खीर। तो हमारे यहाँ खीर रोटी बनता है, लगभग सबके यहाँ यही बनता है खरना में। तो यहाँ पे खीर बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मेरी मम्मी बना रही हैं यहाँ का पूजा का प्रसाद, और मैं नीचे का देख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आप सबको पता ही है दो ही आदमी हैं। तो मैं नीचे का देख रही थी, नीचे का खाना पीना सबका बना रही थी, और साथ में बबी भी है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाई आप सबके साथ, क्योंकि बार बार नीचे ऊपर करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मैं तो नहीं कर पाती। मेरी हालत भी ऐसी है, आप सबको पता ही है, और नीचे भी काम देखना था। मेरी जहाँ मैं जाती मेरी बेटी पीछे पीछे चली जाती थी, तो वो अभी छोटी है, वो सब छूने लगती है। तो इसलिए मैं जितना हो पाया मैं उतना आप लोग सब शेयर कर पाई हूँ। और यहाँ पे प्रसाद वरसाद बन चुका है, नीचे का भी काम लगभग हो चुका है। तो अब मेरी सासू माँ रेडी हो चुकी हैं, और अब वो कर रही हैं खरना करने जा रही हैं। तो मेरी बेटी को देखिए, वहाँ पे बैठ गई है पहले से आके। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसको केला चाहिए। वो केला की मतलब इतनी वो है ना कि उसको केला चाहिए ही तो चाहिए, देख लेगी तो फिर तो वो केला के लिए बैठी है कि कब मुझे केला मिल जाए। देखिए आप लोग देख सकते हैं, उसका नज़र बस केला पे ही है। तो छठी मैया करें कि सबकी ज़िंदगी होती है, जितनी भी दुख तकलीफें हैं वो सब दूर हो जाए, और आप सभी हमेशा खुश रहें, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, छठी मैया करें। और पता है इस बार ना देखते हैं घर पे होता है कि कहाँ होता है, घर पे ही ज़्यादा चांस है कि हम लोग छत पे ही करेंगे, बाहर तो नहीं जा सकते हैं इस बार, क्योंकि मेरी हालत भी नहीं ठीक है कहीं भी जाने का। तो इसलिए घर पे ही होगा, शाम को छत पे ही अर्घ उर्घ होगा। तो आप सबके साथ शेयर करूँगी जितना हो सकेगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाऊँ, लेकिन जितना हो पाएगा मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो चलिए आप लोग पूजा एंजॉय कीजिए आप सभी।